आज है 8th of March विच इज महाशिवरात्रि, तो हर हर महादेव। अब 500 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। नमस्ते, आप सबको देखिए बहुत ज्यादा खुशी हुई। वेलकम बैक टू हम्पी व्लॉग्स। एंड नो, आप ये थोड़ा लेट देखोगे, बट आज है 8th of March विच इज महाशिवरात्रि, तो हर हर महादेव। मैं लाइक ऑलवेज आ गई हूँ अपने योग स्पॉट पे। बेस्ट पार्ट इज हमें विरूपक्ष भी दिखता है, अब सनराइज भी दिखेगा एंड इट्स सो प्लेजेंट। तो चलो थोड़ा सा योग करते हैं। सनराइज जस्ट होने वाला है एंड यू कैन हियर द ड्रम्स ऑल्सो, इट्स बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। वाओ, लुक एट दैट सनराइज। वेल, कुछ बज गए 8 एंड आई एम गोइंग टू वीरूपक्षा। मुझे ऐसा लगा दैट इट वुड बी नाइस टू स्टार्ट माई डे विथ हिज ब्लेसिंग, बट भारत में ना सिंपल मंडे पे भी शिव मंदिर एकदम पैक हो जाते हैं, पर आज तो है महाशिवरात्रि एंड दैट इज़ वीरूपक्ष विच इज़ अ तीर्थ स्थान। तो लेट्स सी इफ आर लक इज़ नाइस। I'll be very honest, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ to see what does happen on महाशिवरात्रि, like कैसे ये लोग महाशिवरात्रि को celebrate करते हैं। Really excited. टेम्पल एनर्जी इज इनसेनली क्रेजी, इतने लोग आए हैं, ऑल द इंटेंशंस दैट दे हैव कि अलग ही फील हो रहा है। मैं बहुत टाइम वहाँ पे बस बैठी थी, दर्शन तो नहीं हो पाए, लाइक गर्भगृह में तो मैं नहीं जा पाई, बट गर्भगृह के बाहर ही आई वॉज सिटिंग, वो जो मंडप होता है उसमें ही, एंड सामने ही वीडियो था तो आई कुड सी लिंगा, यू नो जो भी पूजा हो रही है वो सब मैंने देख लिया। नाउ अब मेरा प्लान है थोड़ा वर्क थोड़ा सा, क्योंकि आज 8 है तो आज एक वीडियो लाइव जाएगा यूट्यूब का, थोड़ा सा जस्ट चेंजेस करना है दैट्स इट, एंड फिर मैं रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा प्लान है टू स्टे अवेक द होल नाइट। Much later. Well, शाम हो गई है एंड आई एम ऑल सेट टू सेलिब्रेट महाशिवरात्रि। मेरा फर्स्ट प्लान है कि मैं हेमकुट, जो हम फर्स्ट डे पे जब आए थे तब गए थे, वहाँ पे जाके सनसेट एंजॉय करो एंड उसके बाद आई विल गो अगेन टू द टेम्पल। नमस्ते, ही इज माई होम स्टे का द ओनर। You can see पूरा विरूपक्ष यहाँ से, look at it, क्या huge है। So ये जो हेमकुटा hills है वो एक massive hill है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे temples है, and इसका एक temple है, अगर starting dating किया जाए तो literally 9th century से start होता है, तो pretty much old। इनफैक्ट ये पूरे हम्पी का, you know, one of the first civic और you know ऐसे monuments अगर बने हैं तो ये हम्पी के यहीं पे है। एंड उस दिन जब हम आए थे तो आई couldn't explore much because sunset हो रहा था, तो आई was just running and catching the sunset। अब आई थिंक आई हैव टाइम, तो we'll just explore it। I'll be very honest, ये चढ़ने में जान तो निकल जाती है बिकॉज ये ऐसे एकदम स्टीप है, यू नो
तो ऐसा लग नहीं रहा है, बट इट्स क्वाइट मैसिव एंड बट देयर सो मेनी टेम्पल्स, लाइक सो मेनी स्मॉल 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 टेम्पल्स एंड पिलर्स एंड माय गॉड, प्रॉपर सेट ही लग रहा है ये भी. वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वहाँ पे चलते हैं. चलो, ऑल्सो यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो यू सी महाशिवरात्रि की यहाँ पे भी लोग हैं आज. Oh my God. सनसेट इज डन एंड विसल ब्लोइंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जगह 6 o'clock को बंद हो जाते. इनफैक्ट सारे जो रूइंस है वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो सब बंद हो जाता है बाई 6 o'clock. बहुत लोग हैं आज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग हैं. आई यू टू तुंगभद्रा रिवर. विरूपक्ष से ना एग्जिट है यहाँ पर, प्रॉपर स्टेयर्स वेस बिल्ड किए हैं एंड पीपल आर जस्ट हैविंग बाथ एंड सो मेनी शिवलिंग एंड यू नो नंदी इज ऑन द रॉक. मैंने ऑल्सो ये माला ले ली बिकॉज मैं ओम नमः शिवाय जप कर रही हूँ, तो आई थॉट कि इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा. अगेन मैंने माला कभी यूज़ नहीं की है, सो सॉरी अगर कुछ विधि में मेरे से गलत हो रही है, बट इंटेंशंस प्योर है एंड आई होप दैट विल बी काउंट. तो बस अब यहीं पे थोड़ा इवनिंग स्पेंड करेंगे. होम स्टे एंड द एनर्जी एट विरूपक्ष इज मतलब इतनी स्पिरिचुअल और इतनी डिवाइन एनर्जी है वहाँ पे. एवरी वन हैज कम अप विद द सेम इंटेंशन. ऑफकोर्स महाशिवरात्रि ये सबसे इंपॉर्टेंट शिवरात्रि होती है एंड इसमें जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो बहुत सुंदर होती है. लाइक द स्पिरिचुअल एनर्जी जो आज मुझे फील हुई है इतने लोगों में, मैं सो मेनी पीपल एंड आई वाज जस्ट चैंटिंग एंड द वे आई स्टार्टेड फीलिंग. जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की मे बी उनको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, बट डेफिनेटली ये वर्थ इट एक्सपीरियंस है. अगेन मैं जाने वाली हूँ. अब क्या है, कुछ 8:30 हो गए तो मैं थोड़ा खाना खाने वाली हूँ. आई नो आज उपवास करते हैं, बट मैंने पूरे ज़िंदगी में कभी भी उपवास नहीं किया है, तो मुझे आज वो अटैम्प्ट नहीं करना था. एंड मेरा प्लान है कि मैं लैपटॉप लेके जाऊँगी तो मैं सदगुरु का प्रोग्राम देखूंगी. मैंने लास्ट ईयर भी वो देखा था, मुझे सही लगा था, म्यूजिक भजन एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो एन्जॉय करते करते आई हैव माई फूड एंड आई सिट देयर थोड़ा सा. फिर रात को आई थिंक 11-12 बजे हम वापस टेम्पल जाएंगे. बहुत लोग हैं तो आई थिंक पूरा टेम्पल रात भर ओपन ही होता है एंड आई थिंक आई विल स्पेंड माय नाइट देयर ओनली. सो दैट्स द प्लान.
आई एम बैक टू माई होम स्टे. अमेजिंग एक्सपीरियंस था इन द टेम्पल. अब बच गए हैं, मैं अपना सदगुरु का देख रही हूँ प्रोग्राम. सो इट इज़ 5:30 एंड मुझे डेफिनेटली जाना था ट्रैकिंग के लिए एंड मॉर्निंग, बट आई एम वेरी टायर्ड. मतलब वेरी टायर्ड, एकदम ऐसे एसिडिटी किक इन हो गई हूँ. मैं नहीं जगती हूँ यूजुअली, बट आई विल बी अवेक फॉर अंटिल लाइक मोर 15-20 मिनट्स. ये 6 o'clock तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब तक आई विल बी अवेक. द ग्रेटेस्ट सेजेस एंड सेंट्स एंड स्कॉलर्स एंड एवरी काइंड ऑफ नॉलेज தன்மையில் காசி பற்றி மரபுகளை விட புராணங்களை விட राधा ट्रेवल्स की गाड़ी निकल पड़ी है टू अंजनाद्री हिल्स, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान. नाउ हम्पी को किष्किंध कहा गया है इन आर रामायण, एंड इनफैक्ट किष्किंध इज द प्लेस जहाँ पे लॉर्ड हनुमान एंड लॉर्ड राम मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. वेल, अंजनाद्री हिल्स यहाँ से बहुत दूर है, अराउंड 45 मिनट्स लगने वाला है वहाँ पहुँचने के लिए. वेल, आफ्टर सम इंटरेस्टिंग स्टॉप्स मैं आई यू टू वाली किला. ये एक्चुअली पूरा पर्वत ही वाली पर्वत है, एंड इफ़ यू नो रामायण यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे उनका फोर्ट है, किला है, एंड उसके अंदर केव्स भी है, विच आई थॉट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट. Okay. Ooh. Wow. Can you? Oh my God. बहुत ही बढ़िया ये. It's huge. It's really, really, really huge. Sorry about the lights, huh? यहाँ पे actually light है ही नहीं. मैंने कुछ तो camera की setting करी है. Oh, this is how the boulders look from inside. Look at this. Insane कैसे अटक के वो. ये entry था. And यहाँ पे बहुत ही dark है. बहुत ही ज़्यादा ही dark है. मम्मी. हाँ, ये रॉक क्रॉस करना बस थोड़ा हार्ड. हाँ, ओके. कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. देखो नीचे बहुत ही अंधेरा है, ठीक है. ऊपर उजेड़ है, ऊपर लाइट है, बट नीचे लिटरली अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है. यस, ओके ओके. हाँ, रीच्ड. वाह, क्या ह्यूज है ये. देखो, इट्स टोटली ह्यूज एंड बिग. हाँ, वाव. ठंडी भी है, बहुत ठंड है. एंड डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस है ये गाइस. आ जाओ यहाँ पे, डेफिनेटली इफ यू हैपन टू कम हियर डोंट मिस दिस. इट्स सो कूल, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द केव का कॉन्सेप्ट. तब नहीं थे घर भर, ये रहते थे यहीं पे. सिविक मीटिंग्स यहीं पे, काम यहाँ पे, फैमिली लाइफ सब. वुड बी देयर ओन प्लेस. वेल, मैं पहुंच गई टू अंजनाद्री हिल्स, एंड जैसे मैंने कहा था 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है. दैट इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ वर्कआउट, बट एनी विच आज सुबह का योग मिस हो गया था, तो दैट इज इट. एंड चलो. राम जय 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 राम. Yeah.
Oh my God, you all, क्या व्यू है यहाँ पे. ऑल्सो शाबाश की मुझे, क्योंकि मैंने पूरे स्टेयर्स एक ही दम में चढ़ लिए. मैं एक बार भी नहीं रुकी हूँ, नॉट इवन टू टेक वीडियो ऑफ द सीनरी. दैट वॉज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज मुझे पता था ऊपर मिलेगा मुझे. हाँ, बहुत दम तो लगा उसके बाद. 10 मिनट्स में चुपचाप बैठी रहे, पानी वानी पिया, थोड़ा सांस लिया, बट लुक एट द व्यू. कितना चढ़ के आए देखो हम लोग, वहाँ दिख रहे दैट काफी है. दैट प्लेस इज द रिक्शा. वहाँ हमने रिक्शा छोड़ के पूरा. अब थोड़ा अगर आप मंदिर से आगे आ गए ना, तो देख दिस ह्यूज बोलर्स ही है, एंड सामने एक बहुत प्यारा सनसेट होगा. तो बस अब देखेंगे, वेट करेंगे, सन को सेट हुए देखेंगे. व्यू तो बहुत ही प्यारा है, पूरा एकदम यू गेट टू सी एवरीथिंग. अब मैंने ना शान में एकदम फटाफट चढ़ के गई थी बिना रुके. उतरते हुए भी मैं बिल्कुल रुकी नहीं, एंड फिर मैं जब नीचे आई माई लेग स्टार्टेड शिवरिंग. इसे कहते हैं औकात के बाहर मस्ती करना. माई लेग्स आर लाइक ट्रूली हर्टिंग. इसीलिए मैंने एक फुट मसाज भी बुक किया है. तो आई हैव फुट मसाज डिनर एंड या जस्ट चिल. सच अ नाइस डे, ऑसम. क्या फुलफिलिंग दिन था आज का. एंड ऑनेस्टली चेरी ऑन द केक वॉज दैट फुट मसाज. उन्होंने 400 रुपीज लिए, बट उन्होंने 30 मिनट्स के लिए मसाज किया, एंड दैट मैन इज अ प्रो. नाउ कल का प्लान प्रिटी मच आपको पता है, सुबह उठ के योग करना है एंड शाम को जाना है फॉर द बोल्डरिंग एक्टिविटी. अगर ये सब देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना. वेल, इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू अनुजा चक्रवर्ती. थैंक यू सो मच अनुजा, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इस चैनल को इतना सपोर्ट किया. अगर आपको नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना था, कुछ नहीं करना है, बस नीचे कॉमेंट करना है. दैट इज इट. आई लव यू. बाय.